दोस्तों बात करने वाले एनएचपीसी स्टॉक के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप देखोगे आज एनएचपीसी के अंदर फिर अगेन हमें 108 रुपए का लेवल देखने को मिल चुका है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो वही इंट्राडे में स्टॉक 107 रुपए 50 पैसे तक गिर चुका है। देखो भाई करना क्या है, गिरावट क्यों आ रही है। एंड आज आपने देखा कि पूरे पीएचयू शेयर जो यहाँ पे पावर के हो, चाहे आपके दोस्तों किसी भी सेक्टर के हो, रेलवे के हो, कोई भी शेयर हो, सारे गवर्नमेंट वाले शेयर आज हमें गिरावट में देखने को मिले। जबकि मार्केट में मॉर्निंग में जो पहला सेशन था 12 बजे तक का, उसमें प्रेशर था। बाकी जो लास्ट दूसरा सेशन था 12 बजे बाद, उसमें मार्केट ने अच्छी तेजी रिकवर करी। ऑलराउंड मार्केट भाई आपका यहाँ से 180 पॉइंट की तेजी में क्लोज होता हुआ नजर आया। देखिए एनएचपीसी का भी अगर देखें कि भाई आगे क्या करना चाहिए, क्या अभी के टाइम बेच दे, क्योंकि भाई नए हाई हाल ही में स्टॉक ने हल्के से क्रिएट किए। ऑलमोस्ट स्टॉक भाई 118.40 पैसे के स्टॉक ने 15 जुलाई, ऑलमोस्ट यहाँ पे 2-3 दिन पहले स्टॉक ने हाई क्रिएट किया, उसके बाद से रेगुलर प्रेशर दिख रहा है। एंड आपको जैसा कि कल की वीडियो में बताया भी था कि एफआईडीआई का जो Q1 का शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो अपडेट होता हुआ दिखा। एंड वहां पे हमने देखा कि एफआई ने 2% अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर ली है, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा होल्डिंग एफआई की देखने को मिली है। ऑलमोस्ट जो कंपनी है पहले अपनी इतनी होल्डिंग एफआई ने कभी नहीं बढ़ाई जितनी इस क्वार्टर में बढ़ाई है। तो ये आगे के लिए एक अच्छा संकेत है, क्योंकि गवर्नमेंट रिपीट हुई है एंड लोगों को एंड जो एफआई है उसको विश्वास है कि आगे हाइड्रो पावर को लेकर गवर्नमेंट बढ़िया कुछ करने वाली है, इसलिए उन्होंने इसको देखते हुए पहले अपनी होल्डिंग खरीद ली है। एफआई जब जब होल्डिंग खरीदता है उसी स्टॉक में आगे जाके तेजी देखने को मिलती है। अभी के टाइम कितना ही आपको प्रेशर में डाल दे, कितना ही आपको पैनिक कर ले, बट फंडामेंटल को धोखा नहीं दे सकता। फंडामेंटल जो बोलेगा स्टॉक वही जाएगा। करंट टाइम पे फंडामेंटल स्टॉक के बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड जो Q1 के रिजल्ट है वो हमेशा देखना, सभी रिजल्ट से बेटर रहते हैं। तो इस क्वार्टर के रिजल्ट बहुत तगड़े देखने को मिलेंगे, तो उसके बलबूते पे स्टॉक हमें ऑलमोस्ट 140-145 का लेवल भी दिखाने वाला है। अभी करते देखो अपडेट है कि यहाँ पे आगे क्या करना चाहिए। ब्रोकरेज ने अपना व्यू दिया है तो एक बार वो भी समझेंगे, इसके पहले डाटा समझते हैं। जैसा कि आज आपने देखा दोस्तों 114.60 रुपए के स्टॉक के हाई थे एंड इसी के आसपास हमें ओपन होता हुआ नजर आया। 107.50 रुपए के स्टॉक के यहाँ पे जो लो थे वो देखने को मिले, जो कि 107 का स्टॉक का ब्रेकआउट भी रहा था, जो अभी के टाइम सपोर्ट बन चुका है, जिसको मैंने एसएल के तौर पर भी आपको बताया कि स्टॉक लॉस आप मेंटेन कर सकते हो। एंड ये स्टॉक का एक रिटेस्टमेंट जोन भी रहेगा कि इस लेवल से ये टच करके अगेन हमें ऊपर जाता हुआ नजर आई। तो टच करके आज वापस 108.60 रुपए पे क्लोजिंग रही है। एंड इस गिरावट में भी वॉल्यूम ठीक ठाक अराउंड 8.5 करोड़ के आसपास शेयर में ट्रेड होते, 8.5 करोड़ शेयर ट्रेड होते हुए नजर आए। एंड 929 करोड़ की टोटल इनकी वैल्यू रही है। एंड डिलीवरी की बात करूं मैं, 37% शेयर ऐसे हैं जो अभी इस गिरावट में आपको डिलीवरी में जाते हुए नजर आए। ऑलमोस्ट 7 करोड़ जो 56 लाख शेयर थे उसमें से 3 करोड़ शेयर ऐसे हैं जो डिलीवरी में गए हैं। तो डाटा देखो पॉजिटिव है। एंड यहाँ पे जो डिलीवरी उठाई जा रही है दोस्तों, ये आगे का व्यू देख के उठाई जा रही है। यहाँ पे रिटेल अभी हाथ नहीं लगाएगा। रिटेल पता है कब खरीदता है, जब स्टॉक में तेजी आती है। रिटेल गिरावट में कभी नहीं खरीदता। ऑलमोस्ट 20-22% रिटेल ऐसे होते हैं जो गिरावट में खरीदते हैं, बाकी जो 80-78% जो रिटेलर होते हैं वो क्या करते हैं, वो भाई गिरावट में नहीं तेजी में खरीदते हैं। उनको लगता है कि तेजी आ चुकी है, अब स्टॉक नीचे नहीं जाएगा, बट उसी टाइम ओपन पर अपना चाल चलता है, यहाँ पे रिटेल को पागल बना के शेयर वापस से बेच बिकवा देता है। गिरावट भले ही हुई बट करंट टाइम पे अगर देखा जाए तो 1,01,000 शेयर में एमओ में पॉजिटिविटी में देखने को मिल रहा है। एनपी अभी के टाइम 28 का ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट डेट की बात करूं मैं कि भाई रिजल्ट के Q1 के शेयर होल्डिंग पैटर्न तो आ चुके हैं, रिजल्ट डेट भी चेक कर लेते हैं। लेकिन रिजल्ट को लेकर अभी के टाइम कोई भी बड़ी अनाउंसमेंट नहीं है, डेट वगैरह कंपनी ने कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करी। अनाउंसमेंट होती है आपको अपडेट करेंगे, अब देखते हैं अपडेट के बाद। देखिए दोस्तों एनएचपीसी शेयर का मूल्य 2024, देखिए पीएचयू स्टॉक में यहाँ पे 5% से अधिक गिरावट देखने को मिल रही है। क्या ये खरीदने का सही समय है, क्योंकि देखो आज 107 रुपए के लो लगते हुए नजर आई, जब 116-117 पे गया था तो लोग उस लेवल तक भी यहाँ पे खरीदारी करने के लिए तैयार थे। देखिए दोस्तों एनएचपीसी का अगर डाटा देखा भी टाइम, एनएचपीसी के शेयरों में गुरुवार को 5% से अधिक की तेजी देखने को, जो गिरावट है वो देखने को मिली 113.25 के प्रति शेयर पर। यहाँ पे पिछले जो क्लोजिंग थी वहां पे बंद होता हुआ नजर आया। एंड पावर पीएचयू में ये तेजी गिरावट अब देखो तब आई है जब इसकी सहायक कंपनी एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने सरकारी भवनों के लिए महत्वाकांक्षी शोर पहल के लिए टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए। दोपहर 12:10 बजे के आसपास एनएचपीसी के शेयर 108.30 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे, जबकि दिन की शुरुआत में ये 113.80 पे थे। देखो दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो, आज कंपनी के रिलेटेड एक पॉजिटिव अपडेट दिखा कि कंपनी ने टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। देखिए दोस्तों पावर पीएचयू में ये तेज गिरावट तब आई जब इसकी सहायक कंपनी ने एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने सरकारी भवनों की महत्वाकांक्षी सौर फेयर के लिए टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। मतलब जो सरकारी भवन है उस पर यहाँ पे जो सोलर एनर्जी है वो लगाई जाएगी, सौर
जो एनर्जी वो लगाई जाएगी, जो सोलर प्लांट होते हैं, सोलर जो यहाँ पे वो होते हैं पैनल, वो लगाए जाएंगे। तो उसको लेकर यहाँ पे इन्होंने क्या किया, NHPC, टाटा पावर ने जो MOU साइन किया कि मिलकर हम ये करेंगे, ये पॉजिटिव अपडेट था। बट इसके बाद भी अगर देखो कि शेयर में कोई भी प्रेशर में नहीं दिखा, क्योंकि अभी के टाइम सीधा सीधा बता दूं मैं, बड़े प्लेयर के हाथों में, एंड बड़े प्लेयर क्या चाहते हैं कि रिटेल थोड़ा सा स्टॉक को ढीला करे एंड उसके पास माल इकट्ठा हो, जैसा कि आपको ने FIDI ने खरीदा पिछले 3 महीने में 2% माल खरीदा, और पिछले 3 महीने की तेजी आपको पता है कितनी है, ये ओनली फॉर 30%। तो 30% तेजी लेके तो जाने वाले नहीं है, जबकि स्टॉक की वैल्यू हाई है, तो तेजी लाने वाले हैं। बस ये कि आप थोड़ा सा देरी बनाए रखें, स्टॉक की वैल्यू पर ध्यान दें कि आगे क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, आज आपके जो गवर्नमेंट वाले सभी शेयर है, जैसा कि आप इरेडा को ले लीजिए, चाहे आप NHPC को ले लीजिए, SJVN को ले लीजिए, चाहे आप NTPC वगैरह जो है, इन सबको ले लीजिए भाई, सब में हमें गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि भाई पूरा विदेशी पावर शेयर क्रैश हुआ। देखिए दोस्तों, मैंने एक चीज आपको पहले भी बताई थी कि देखो RSI वापस से 55 में आ चुका है, जो कि स्टॉक की रिटेस्टमेंट का डाटा बताऊं मैं तो इसी लेवल से रिटेस्टमेंट दिख सकता है, जो मेन ब्रेकआउट था स्टॉक का। इसके ऊपर भाई फिली स्टॉक ने कभी भी पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं दी है, एंड यहाँ पे हमें इस बार पॉजिटिव क्लोजिंग नजर आई है, एंड रिटेस्ट लेके अगेन यहाँ से हमें जो रैली स्टार्ट होते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि आज 18 तारीख हो चुकी है, एंड 19, 20 एंड 21, 23 के आसपास आपको क्या देखेगा, बजट देखेगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1-2 दिन और भी थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी दिखा सकता है, जो तेजी है वो बजट के बाद भी जारी रह सकती है, यहाँ से ये चीज आप ध्यान दो, क्योंकि जो क्यू फर्स्ट के रिजल्ट है वो बजट के बाद भी दिखेंगे। यहाँ से आप देख लो, वॉल्यूम हमें इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है, जबकि पहले वॉल्यूम सस्टेन थे, जब भी एक लेवल पे था, यहाँ से वॉल्यूम अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये चीज आप ध्यान देना। देखिए टाइम गिरावट में बिल्कुल भी घबराना नहीं है, नॉर्मल गिरावट है, जल्दी अगर मार्केट का कल PSU फिर से रिवर्सल होता तो अगेन हमें स्टॉक में फिर से मोमेंट बनता हुआ नजर आएगा, एंड जो 4% गिरा है तो 5-6% एक साथ ही बढ़ भी सकता है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को, ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको मिले।